उनके टीवी पे सच का सामना हो गया। जो लोग आज भी लोग याद करते हैं कि सच का सामना कब आएगा, तो प्लानिंग की पार्टी या पार्टी सच का सामना। मुझे खुशी इस बात की कि लोग मेरे कैरेक्टर्स को याद रखते हैं, इतने साल हो गए उसके बावजूद भी आपको प्रोजेक्ट्स याद हैं, मेरे लिए वो एक बड़ा अचीवमेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पास्ट में जो किया है मैं उसके सहारे आगे ना बढ़ूँ, मैं तो उसे सीढ़ी बना के ना चलता रहूँ। मुझे इसीलिए मैं ब्रेक भी लेता हूँ कि भूल जाएँ, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए एक साल में कि मैंने क्या किया था, लेकिन मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं, काफ़ी रिलेट करते हैं, मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें दफना देता हूँ। जो जो मैंने पास्ट में किया है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, सब कुछ दफना देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कोशिश नहीं करता कि कोई सीज़न 2 या सीज़न 3 आए, बट सच का सामना एक ऐसा शो है जिसका सीज़न हमें ऐसा लगा था कि हमने थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे अगर अप्रोच करेंगे तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, हो सकता है मैं कर भी दूँ, पर अभी तक ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरे पास में कोई नहीं आया, ना तो प्रोडक्शन हाउस ना चैनल। सच का सामना को लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसका क्या हो रहा है, बट उसके बाद अलग जो शोज़ हैं मैं शायद अपने शोज़ जो मैं कर चुका हूँ उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, उसके कभी सीज़न 2 या सीज़न 3 नहीं करूँगा, बिकॉज वो देख चुके हैं, वो मैं कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो